जय हिंद प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का आपका जो सब्जेक्ट है इसके मिड टर्म एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका 2023 और 2024 के सेशन के लिए होने वाला है। और ये सैंपल पेपर बच्चों आपको आपके पॉलिटिकल का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने पेपर के पैटर्न को जब हम समझेंगे तो देखेंगे टाइमिंग 3 घंटे की है और पेपर की जो वेटेज है वो है हमारे यहाँ पे 80 मार्क्स। अब देखिए, अगर आपको पेपर का पैटर्न पूरा अच्छी तरह से समझना है तो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के जो सामान्य निर्देश हैं ये जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके पेपर में टोटल 5 खंड होंगे। खंड नंबर का यानी कि सेक्शन ए, जिसमें टोटल आपके जो है वो 12 MCQ आएंगे। ठीक है, फिर आपका दूसरा खंड रहेगा खंड नंबर का यानी कि सेक्शन बी, जिसमें 13 से 18 दो नंबर के टोटल हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक या फिर दो में आपको चॉइस भी मिलेगी। ठीक है, अथवा करके सेक्शन सी यानी कि खंड गा रहेगा, जिसमें 29 से 23 ये 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, फिर खंड डी यानी कि घा रहेगा हमारा, जिसमें पैसेज पर आधारित 4 MCQ आपसे पूछे जाएंगे, कार्टून पर आधारित 4 MCQ आपसे पूछे जाएंगे और मैप जो है वो आपका एक 4 नंबर का आ जाएगा। ओके, उसके बाद में खंड जो हमारा ई रहेगा, पांचवा सेक्शन, इसमें 27 से 30 ये 6 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन होंगे। और इंटरेस्टिंग बात, 6 के ये जो 4 क्वेश्चन हैं 6 नंबर के, हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक चॉइस भी मिलेगी, आंतरिक विकल्प भी मिलेगा, तो आपके लिए इसको अटेंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस पेपर को बेसिकली हम 3 वीडियो में समझेंगे। जो हमारी आज वाली वीडियो है, इस वीडियो में यह है पार्ट 1 है, जिसमें आपको हम 1 से लेकर 12 और 13 से 18 MCQ और 2 नंबर के क्वेश्चन आज समझेंगे। ठीक है, 19 से 23 4 नंबर के क्वेश्चन, 24 से 26 पैसेज कार्टून मैप, ये आपको हम कल समझाएंगे जो इसका पार्ट 2 का वीडियो होगा। और 27 से 30 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हमारे, इनको हम पार्ट 3 में समझाएंगे। दूसरे वीडियो का और तीसरे वीडियो का लिंक जैसे ही बनेगा यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करें, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या रहने वाला है आपका कंप्लीट पेपर का पैटर्न। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 से 12 MCQ, 13 से 18 2 नंबर के, 19 से 23 4 मार्क्स के, 24 पैसेज, 25 मैप, 26 कार्टून आधारित और 27 से 30 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर जो ए है, मल्टीपल चॉइस वाला पार्ट, ये शुरू हो जाता है, जिसमें टोटल हमारे 12 MCQ है। तो आप सभी प्यारे बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन MCQ क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप अपने मन ही मन में कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वीडियो के एंड होने के बाद आप मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर जो था वो राइट दिया। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतीय विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी, यह संख्या लगभग कितनी रही थी। अर्थात 14-15 अगस्त की 1947 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत को आजादी मिलती है, भारत पाकिस्तान दो देश बनते हैं, तब कई लाखों की संख्या में, यहाँ पे आप देखेंगे तो विभाजन के परिणाम स्वरूप एक चित्र यहाँ पे दिया गया है, कई लाखों की संख्या में जो लोग थे वो इंडिया से, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान जाने को मजबूर हो गए और पाकिस्तान से इंडिया आने को मजबूर हुए। उन्हें इस पलायन की समस्या को झेलना पड़ा था, विभाजन की समस्या को झेलना पड़ा था। जिस घर पर वो अपने पिता, फिर उनके पिता, दादा, परदादा, मतलब उनके परदादाओं की जमीनों से रहते हुए आ रहे थे, आज वही जगह वही घर उनके लिए एक अजनबी हो चुका था। ठीक है, वो देश उनका अब कुछ नहीं था, बस एक वो शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर थे। तो लोग पैदल, बैलगाड़ियों के माध्यम से,
या फिर ट्रेनों के माध्यम से इतनी भर भर के एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, तो कितनी संख्या वो रही थी जिसको इस विभाजन का सामना करना पड़ा था? क्या वो संख्या 50 लाख थी, क्या वो 80 लाख थी, क्या वो 100 लाख थी, या फिर 10 लाख थी? तो ये संख्या थी बच्चों टोटल 80 लाख। ठीक है, रिकॉर्ड के अनुसार ये संख्या 80 लाख बताई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं सेकंड, मतलब इंग्लिश में देखेंगे कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द पॉपुलेशन ऑफ वन प्लेस वाज फोर्स्ड टू मूव टू अनदर ऑन अ लार्ज स्केल, व्हाट वाज द नंबर अप्रोक्स? इट्स अराउंड 80 लाख। कंप्लीट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमसे पूछा गया है आपको एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करनी है जो 1980 के दशक में सोवियत संघ की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, इसके महासचिव थे और साथ ही साथ ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी रहे थे। तो क्या ये व्लादिमीर लेनिन थे, क्या ये पुतिन थे, क्या ये बोरिस जेल्टसेन थे, या फिर मिखाइल गोर्बाचेव थे? तो सी या फिर डी, इनमें से कोई एक हो सकता है। वेल, आंसर आपका सी है, मिखाइल गोर्बाचेव। अब इनके बारे में कुछ बातें आपको और पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मिखाइल गोर्बाचेव का जो जन्म था ये 1931 में हुआ था। ये सोवियत संघ के सबसे अंतिम राष्ट्रपति रहे थे 1985 से 1991 तक। इन्होंने दो तरीके के जो सुधार है वो सोवियत संघ में करने चाहे थे, एक तो पुनर्रचना और एक ग्लासनोस्ट। ये क्वेश्चन आ जाता है आपका दो नंबर में, चार नंबर में, कैसे कैसे सुधार करने चाहे थे, तो इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ही बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन द 1980s एंड वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? पहले तो आप ये समझो कि ये जिस शब्द का हमने उपयोग किया लीग ऑफ नेशंस, ये था क्या? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था ये 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो ऐसे में विश्व के बड़े बड़े जो नेता थे, संगठन के नेता या फिर नेता कह सकते हो, उन्होंने ये सोचा कि इस ऐसे वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया को हानि होती है, तो इसे रोकने के लिए हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए जो कि भविष्य में ऐसे युद्ध होने से बचाए। तब जाके लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1929 में, जहां तक मुझे याद है आई थिंक 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन फिर भी ये अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसे नहीं रोक पाया। तो फिर एक बार फिर से विचार विमर्श किया गया और अब लीग ऑफ नेशंस को टर्मिनेट करके फाइनली यूएनओ को बनाया गया था। ठीक है, यूएनओ का लोगो जो है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये यूएनओ का लोगो है, ये जो पत्तियां हैं ये शांति का प्रतीक है, और ये चक्र के अंदर विश्व है ये इसकी एकता को दर्शाता है। शांति और एकता को बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया था, और युद्ध वगैरह ना हो इसके लिए बनाया गया। तो ये इसकी डेट क्या थी? देखिए डेट में भी ना हमको ये पता है कि अक्टूबर 1945 में बना था, लेकिन एक एग्जैक्ट जो डेट है वो क्या थी हमें ये पहचाननी है। क्या वो 13 अक्टूबर थी, क्या वो 29, 15 या फिर 24 थी? तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर 1945। देखिए मैं आपको थोड़ी सी ना अलग अलग बातें बताता चलूंगा ताकि आपको जो है बोरियत ना हो और आपको नई नई नॉलेज आसानी से मिलती रहे। ठीक है, When was the United Nations established as the successor of the League of Nations? It's 24 October 1945. Complete है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ है इसमें आपको एक ही साथ कम से कम 6 से 7 MCQ पता चलेंगे। ठीक है, क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें कुछ कथन दिए गए, इन पे विचार करना है। पहला कथन ये है बच्चों कि आसियान जो संगठन है इसकी स्थापना 1967 में हुई। पहली बात आपको पता चली आसियान की स्थापना कब हुई, 1967 में। अब आपसे पूछा जाए कि किस पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी, तो याद रखिएगा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी। तो ये दूसरी बात पता चली। उसके बाद आसियान के जो संस्थापक देश थे वो टोटल 5 थे, ये तीसरी बात पता चली। अब चौथी बात आपको ये पता चलेगी कि वो देश थे कौन। तो पहला था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 कंट्री थी जिन्होंने आसियान को बनाया। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आसियान का जो झंडा है
उसमें एक वृत्त है, जैसे आपको मैं बताऊं आसियान का झंडा कुछ इस तरीके का है, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो है ये एक वृत्त है और ये कुछ ऐसे ऐसे करके जो है वो धान की 10 वाली यहाँ पे ऐसे ऐसे दी गई है। तो ये जो आप चक्र देख रहे हैं ये इन 10 देशों की एकता का प्रतीक है, और जो धान की 10 वालियां हैं वो 10 देशों को दर्शाती है, ठीक है। आसियान का जो मुख्यालय है बच्चों ये जकार्ता में तो है, लेकिन जकार्ता कहाँ पे है, जकार्ता बेसिकली बच्चों इंडोनेशिया में है, लेकिन यहाँ पे नेपाल बताया गया, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने ऑप्शन को, तो ए वाला जो ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा ये राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आसियान है उसका मैप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे जो कंट्रीज हैं टोटल 10 कंट्रियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे म्यांमार, लाओस, ठीक है, और फिर कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये टोटल 10 कंट्रीज थी जो कि इसमें शामिल थी, ठीक है। तो ये मैप मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज में शामिल थी, ओके बच्चों। तो आसियान समझ में आ गया। अब इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश मीडियम के, यहाँ से देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है, ऑप्शन ए हमारा राइट है, ओके बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5th जो है ये बेसिकली अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन, आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अभिकथन ए हमारा ये कहता है कि 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था, अर्थात जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद में जो दूसरे आम चुनाव होते हैं तो वो बेसिकली कुछ ही 7 से 8 राज्यों में होते हैं जिसमें केरल भी शामिल था। तो 1957 में जो केरल में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस हार गई। अब हारी क्यों, हारी इसलिए क्योंकि केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसको ज्यादा वोट मिले थे, ठीक है, लगभग 126 में से 60 सीटें अकेली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसको मिली थी, और 5 स्वतंत्र जो उम्मीदवार थे इनका समर्थन भी प्राप्त था, बिल्कुल ठीक है बात भाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वाला ए, अभिकथन ए, कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये राइट हो जाएगा। अब इसी तरीके से इंग्लिश देख लेंगे हम, तो असेंशन ठीक है, रीजन ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ये राइट है, कंप्लीट है बच्चों। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन तो कोई भूल ही नहीं सकता है, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं एक बार। देखिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुद्दे में कौन सा युद्ध सही नहीं है, तो हम सभी को पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहला युद्ध था ये हुआ था 1948 में, और क्या मुद्दा था, कश्मीरी मुद्दा था, ठीक है। दूसरा जो युद्ध है बच्चों ये हुआ था 1966 में, गलत, ये युद्ध हुआ था 1965 में जो कि कच्छ कारण सीमा विवाद को लेकर था। तीसरा जो युद्ध है बच्चों ये 1971 में हुआ था जब बांग्लादेश एक नया देश बना था, और चौथा युद्ध जो है ये 1999 में हुआ था जो कि कारगिल युद्ध हुआ, ठीक है। तो कौन सा युद्ध सही नहीं है, जो दूसरा वाला ये गलत है क्योंकि 66 लिखा हुआ है ना, ये गलत है क्योंकि ये 65 में हुआ था, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही आपसे इंग्लिश में देख लेंगे कि विच वॉर इज नॉट राइट इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था 1965 में, सिंपल है, ओके आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा देश है जो 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, जिसे हम इंग्लिश में OECD बोलते हैं, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका सदस्य बना। ये बेसिकली आपका एक नया जो टॉपिक है उससे ऐड किया गया है, तो नए में भाई भारत तो पुराना ही टॉपिक है, रूस भी पुराना टॉपिक है, दक्षिणी कोरिया या फिर जापान, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो 1964 में कौन OECD का सदस्य बना था बच्चों, ये कंट्री थी जापान, कौन सी कंट्री थी, जापान, ठीक है। विच कंट्री बिकम द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इन 1964, इट्स जापान, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, हम ये कह सकते हैं कि काफी डीपली पूछा गया है, किस साल नेपाल ने राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था,
ऐसा कौन सा साल था जब नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल बना? क्या 2001, 6, 2000 या फिर 8? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत से बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा क्योंकि ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन था। इन विच ईयर नेपाल बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबॉलिशिंग द मॉनेटरी इन 2008? कंप्लीट है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैविक हथियार संधि जिसे BWC बोलते हैं, BWC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, तो ये कब हुआ था? 1972, 78, 79 या फिर 75? तो ये हुआ था बच्चों 1972 में। BWC कब हुई थी? 1972 में। ऑप्शन बी राइट है। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें एक आंदोलन को देखना है कि किस देश में फ्रैंकलिन नदी तथा इसके पर्वतीय वनों को बचाने के लिए बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था? अर्थात हमें ये पहचानना है कि ये जो फ्रैंकलिन नदी है, इस पर जो बांध आंदोलन चलाया गया था, इस नदी को और इस नदी के आसपास जो वन थे उनको बचाने के लिए जो बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था, वो किस कंट्री का था? क्या वो फिलीपींस में चलाया गया था? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकन? बिल्कुल भी नहीं। यूरोपियन? बिल्कुल नहीं। तो ये राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ पे चला गया था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो फ्रैंकलिन नदी थी यहाँ पे चला गया। ओके इसी को इंग्लिश में देख लेंगे कि इन विच कंट्री द एंटी डैम मूवमेंट वॉज लॉन्च टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स डाउन स्ट्रीम फॉरेस्ट? इट इज ऑस्ट्रेलिया। कंप्लीट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान से समझना। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत ने हमेशा से आजादी लेने से पहले ही, भविष्य में जब अंग्रेजों से भारत आजाद होगा तो उसके राय मशवरा उसके नजरिए पहले ही तय कर लिए थे। तो ऐसे में कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें ये इस बात को स्वीकार किया गया कि जब भारत आजाद होगा तो राज्य जो रहेंगे इनका पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। भाई पुनर्गठन क्यों होगा? क्योंकि उस समय लगभग 565 रियासतें इनकी रजवाड़े मौजूद थे, वैसे में राज्यों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती, तो उनका पुनर्गठन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। तो इसके लिए एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, जिसमें भाई ये कहा गया भारत आजाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। अब ये हुआ कब था, बस ये हमें देखना है। तो देखिए, इसमें मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, आप 1918 और 1947 को हटा दीजिए। अब 1922 या फिर 1920 में से आपको जो राइट लगता है मुझे वो बताओ। ठीक है, कौन सा राइट है इसमें से? क्या वो 1920 है, क्या वो 1922 है? कब हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन? ठीक है, फटाफट से बताइए फिर मैं आपको बताता हूं। जी हाँ, ये हुआ था बेसिकली बच्चों 1920 में। ठीक है, कब हुआ था? 1920 में। इन द नागपुर सेशन द कांग्रेस इट वॉज एक्सेप्टेड दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्टेट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। व्हेन डिड हैपन? इन 1920। ओके सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखो, इंटरनेशनल लेवल पर कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना, ये शामिल है। आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, ये भी शामिल है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये भी शामिल है। अर्थात बच्चों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये हमारा राइट है। ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वेल यहां पर जो हमारा मैं आपको बताऊं, ये रहा देखो सेक्शन नंबर जो ए था, इसका हर एक क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और आशा करता हूं कि सेक्शन ए का हर वो क्वेश्चन जो आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। और कमेंट में बताओ कि 12 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उनका आंसर बिल्कुल सही से ही लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। ओके ये रहा देखो, ये है हमारा सेक्शन नंबर बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। ओके तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है 2 नंबर का, इसमें आपकी एक चॉइस भी है। एक सेकंड, इसको हटाते हैं, हम लेके आते हैं एक स्क्वायर। ओके देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी?
और इसका उद्देश्य क्या था समझाइए। दो नंबर का बहुत ही आसान सा प्रश्न, हम सभी को पता है कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, एक नंबर इसका, एक नंबर है उद्देश्य का। तो एक नंबर के लिए दो उद्देश्य लिख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो झगड़े हैं इनको रोका जाए, देशों के बीच झगड़ों को रोका जाए, साथ ही साथ झगड़ों को रोककर राष्ट्रों के बीच में सहयोग जो है इसको बढ़ाया जाए, और तीसरा कि विश्व में शांति स्थापना को बढ़ावा दिया जाए, और जो देश इस शांति स्थापना में टांग अड़ाए या फिर जो है शांति को भंग करे उसको ये सजा दे। ठीक है, तो ये कुछ तीन से चार इसके उद्देश्य थे यूएनओ के बनने के। ठीक है, उसके बाद में इसी में अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापना करने में कामयाब रहा है, कथन का मूल्यांकन कीजिए। अर्थात हम सभी को पता है यूएनओ का जो निर्माण था वो बेसिकली विश्व में शांति स्थापना के लिए भी किया गया था, तो क्या ये अपने इस मिशन में कामयाब रहा? जी हाँ, बिल्कुल रहा है। कैसे कह सकते हो सर आप? हम ऐसे कह सकते हैं कि विश्व के ऐसे बहुत सारे अशांत देश थे, जैसे अफगानिस्तान हो गया, कुवैत हो गया, फिर रोमालिया हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे अशांत देश थे जहां पे युद्ध वगैरह चलते रहते थे, शांति स्थापित नहीं थी। तो वहां पर यूएनओ ने अपनी सेना भेजी और सेना भेजकर साम दाम दंड भेद हर एक नीति को अपना के इसने शांति का माहौल बनाने की कोशिश की थी। दूसरा, शीत युद्ध के दौरान ऐसे कई संकटों का इसने निदान किया, किसने? यूएनओ ने, जिसमें ऐसा लगता था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो सेकेंड थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो हो जाए, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट। वैसे ही इसके बारे में आपको पता नहीं होगा क्योंकि जब आप चैप्टर वन पढ़ेंगे ना शीत युद्ध का दौर, उसके बारे में आपको पता चलेगा। कॉन्सेप्ट बस इतना सा समझ लो कि ये जो क्यूबा मिसाइल संकट था ना, इसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही महाशक्तियां आमने सामने आ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन हुआ नहीं था क्योंकि यहाँ पे यूएनओ ने हस्तक्षेप इंटरफेस किया। ठीक है, तो इन सभी बातों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूएनओ शांति स्थापना करने में कामयाब रहा है। ठीक है बच्चों, तो यूएनओ के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसे इंग्लिश में देख लो कि when was United Nations Organization established and write its purpose, तो 24 अक्टूबर 1945, और तीन purpose दिए हैं, आप कोई भी दो लेते हैं। The United Nations succeeded in establishing peace in the world. Evaluate the statement, बिल्कुल evaluate करेंगे, देख सकते हैं ये point आपको यहाँ पे simple से लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं question number 14। अब ये जो 14 question है इसमें बेसिकली हमें एक सिद्धांत के बारे में वर्णन करना है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया तथा इसका वर्णन कीजिए। अर्थात जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अभी ये था क्या, क्यों दिया गया था? तो ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था जो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, इसका इसमें ये मानना था कि भारत जो है वो हिंदू और मुसलमान इन दो कौमों का एक देश है, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा कि दो कौमों का देश है, इसीलिए हम मुसलमान भाइयों के लिए हमें एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, और फाइनली जब भारत का विभाजन धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होता है तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान बन ही जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का भी अपना एक अलग रोल रहा है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में अच्छे तरीके से। अब इसी को इंग्लिश में देख सकते हैं कि हु गिव द टू नेशन थ्योरी एंड डिस्क्राइब इट, तो ये पॉइंट है मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था और क्या कहा गया था वो यहां से देख सकते हैं। ओके, आगे आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं लिखिए, ये मैं आपको चार नंबर के हिसाब से बताऊंगा। दो नंबर क्या है तो दो पॉइंट लिखो, चार नंबर क्या है तो पांच से छह लिख दो बस। ठीक है, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है विकास योजनाबद्ध। अर्थात वर्ल्ड लेवल पे यूएसए के बाद में अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था थी तो वो यूएसएसआर की ही थी, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था की जो बागडोर थी वो राज्य के नियंत्रण में थी इसीलिए। दूसरा, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, अर्थात यूएसएसआर के पास में अपने खुद के ही ऐसे अच्छे अच्छे उद्योग, अच्छे अच्छे खनिज वगैरह हैं
जिसकी वजह से ये छोटी छोटी पिनकी नोक से लेके बड़े बड़े हवाई जहाज कार वगैरह स्वयं ही उत्पादित कर लेते हैं। यूएसएसआर के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जैसे कि खनिजों में हम बात करें तो उसके पास तेल, लोहा, इस्पात वगैरह ये बहुत ही मात्रा में उपलब्ध थे। मशीनरी उत्पाद भी ये इसी कच्चे माल से बना लिया करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे परिवहन जो था वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उन्नत था, संचार प्रणाली बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से विचारों का, सूचनाओं का, लोगों का, व्यापार वगैरह सब कुछ अच्छे से होता था। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ही कम थी या फिर बेरोजगारी थी ही नहीं, ये हम बातें यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यूएसएसआर की जो सोवियत प्रणाली थी, आगे समझ में अच्छे तरीके से। अब इसी को इंग्लिश में देख लो कि राइट द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेवलप लैंड था, एडवांस डेमोक्रेटिक कंज्यूमर इंडस्ट्री है, वेस्ट एनर्जी सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट वाज वेरी एडवांस, कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी एडवांस, एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी लेस और नॉट इट इज ओके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। इसमें पूछा गया है वैश्वीकरण किसे कहते हैं तथा इसके दो प्रमुख उद्देश्य। तो क्या होता है वैश्वीकरण? विभिन्न देशों के बीच में विचारों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, संसाधनों का, पूंजी का आदान प्रदान होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के दूसरे नाम को हम प्रवाह समझते हैं। प्रवाह यानी कि एक का दूसरी जगह आना जाना लगा रहना, जैसे विचारों का प्रवाह यानी कि विचारों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, ये चक्र चलते रहना। व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पूंजी का, संसाधनों का ये जो चक्र है वो चलता रहता है, इसी को वैश्वीकरण बोलते हैं। अब वैश्वीकरण का उद्देश्य सबसे पहला तो ये था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग है इसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि भविष्य में अगर किसी कंट्री को कुछ दिक्कत होती है तो बाकी कंट्रीज उसकी मदद कर सके, ठीक है। साथ ही साथ आर्थिक समानता लाना, जो कंट्री बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है, इसके माध्यम से वो भी अपने आप को विकसित कर सकते थे। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, अर्थात विश्व लेवल पर जो एक भाईचारे वाली भावना है उसको विकसित किया जाए ताकि युद्ध वगैरह ना हो, ठीक है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि सभी व्यक्ति, सभी कंट्री जो है वो अपना विकास अपने अस्तित्व के अनुसार बिल्कुल शांति से कर सकते हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसके दो प्रमुख उद्देश्य यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन एंड राइट इज टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ऑल ग्लोबलाइजेशन एंड इसके ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता। क्या क्वेश्चन है? कि कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की है, स्पष्ट कीजिए। अर्थात जो कांग्रेस पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें समाज के बहुत सारे, समाज के लोग और बहुत सारी जो विचारधारा के लोग हैं वो इसमें शामिल है, आपको ये बताना है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखो कांग्रेस में किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे शहर के बड़े बड़े अमीरजादे हो, या फिर गांव के निवासी हो, मजदूर हो, कोई मालिक हो, मध्य हो, निम्न या फिर उच्च वर्ग का हो, या फिर निम्न जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक तरह के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में जगह दी गई थी, जो कि इस ओर इशारा करती है कि कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक गठबंधन की तरह रही थी। अब विचारधारात्मक की बात करते हैं। कांग्रेस ने अपने अंदर गर्मपंथी और नरमपंथी, यानी कि एक तरफ वो व्यक्ति जो शांत स्वभाव के थे, एक तरफ वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहते थे, उसमें शामिल थे। दक्षिणपंथी, वामपंथी, यानी कि एक लोग समाजवाद को मानने वाले, एक तरफ पूंजीवाद को मानने वाले, ये दोनों ही विचारधारा के लोग कांग्रेस में रहते थे, और मध्यम वर्ग को सम्मिलित किया गया था। तो इन्हीं सभी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो थी वो एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन है इन सभी के माध्यम से, ओके। अब इसको आगे देखेंगे। द नेचर ऑफ द कांग्रेस इज दैट ऑफ अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल अलायंस, एक्सप्लेन ए एंड बी, इसके बारे में आप ये पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके बाद में हमारा आज का वीडियो एंड होगा, फिर हम कल बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि UNFCCC, इसका पूर्ण रूप लिखिए, ठीक है, तथा इसके तहत पर्यावरण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए उनका वर्णन कीजिए। पहले तो आप ये समझो कि UNFCCC था क्या। तो जब पृथ्वी सम्मेलन होता है तो पृथ्वी सम्मेलन के बाद ही इस रिपोर्ट को छापा जाता है,
जिसे हम UNFCCC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 में पारित की जाती है। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस संधि, एक तरीके संधि थी, इस संधि को जो जो कंट्री स्वीकार करेगी, ठीक है, जो जो साइन करेगा इस संधि पे, उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी जितनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार जो पर्यावरण को उसने पॉल्यूटेड किया है, ठीक है, उसको कम करे, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करें। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, साझी परंतु अलग अलग, साझी परंतु अलग अलग, इसका मतलब ये हो गया कि जो कंट्री है साझी इन द सेंस कि वो सभी पर्यावरण की, पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। अब अलग अलग यानी कि जो विकसित हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होगी, जो अल्पविकसित हैं यानी कि विकासशील हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी। तो साझी परंतु अलग अलग यहाँ पे बात होती है। और ये बात भी स्वीकार की गई कि ऐतिहासिक तथा वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा जो हिस्सा रहा है जो विकसित देशों का रहा है, ठीक है, क्योंकि जो विकासशील देश है इनमें प्रति व्यक्ति अगर हम जो हानिकारक गैस है उसके उत्सर्जन को देखें तो वो बहुत ही कम है, जबकि विकसित देशों ने ऐसा बहुत ज्यादा किया, ठीक है बच्चों। तो ये है UNFCCC। अब आगे इसी को देखते हैं कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC एंड व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर द एनवायरनमेंट अंडरटेक, ठीक है। तो UNFCCC क्या होती है उसके बारे में ये बात है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आता है हमारा अगला सेक्शन जो कि है सेक्शन सी है। चार नंबर के इसमें हमारे पांच क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और हमारा सेक्शन आ जाएगा आगे में, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि रहेगा सेक्शन नंबर D, जिसमें चार नंबर के तीन क्वेश्चन होंगे। एक तो पैसेज वाला रहेगा, कार्टून वाला और मैप वाला, ये मैं आपको कल समझाऊंगा पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा अगला सेक्शन बच जाता है जो कि बेसिकली रहेगा हमारा सेक्शन नंबर E, इसमें हमारे 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और चारों में ही आपको चॉइस मिलेगी। तो ये आपको मैं तीसरी वाली वीडियो में समझाऊंगा, लिंक आपको आई बटन में सभी के सभी मिल जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी लिंक्स मिल जाएंगे, ओके। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को बच्चों जितना हो सके आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बच्चों बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक प्यार का, एक सपोर्ट का, एक अच्छा काम करता है। तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि सैंपल पेपर आ चुके हैं, आइए पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। और कमेंट में बताओ कि 12 MCQ में से आपने कितने राइट दिए, कोई सुझाव है तो बताइएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।